Hello children, I hope you all are fine and safe at home. Welcome to GK class. Today we are going to learn things in the classroom. यानी कक्षा में रखी गई वस्तुएं. When you enter in the classroom, what do you see? जब आप क्लासरूम में एंटर करते हैं तो आप क्या देखते हैं? Blackboard, chalk, duster, bench, desk. So children, let's learn more about classroom things. Things in the classroom मतलब कक्षा की वस्तुएं. जो वस्तुएं हम क्लासरूम में देखते हैं उन सभी चीज़ों की जानकारी. स्कूल बैग. स्कूल बैग इज यूज टू कैरी बुक्स. स्कूल बैग का यूज़ हम पुस्तकें और कॉपियाँ रखने के लिए करते हैं. चॉकबोर्ड. चॉकबोर्ड इज़ यूज फॉर राइटिंग. चॉकबोर्ड टीचर यूज़ करती है लिखने के लिए. चॉक एंड डस्टर. चॉक एंड डस्टर आर यूज फॉर राइटिंग इन ब्लैकबोर्ड. एंड डस्टर इज यूज फॉर क्लीन द चॉकबोर्ड. चॉक का यूज़ ब्लैकबोर्ड पर लिखने के लिए किया जाता है और डस्टर का यूज़ चौक से लिखा हुआ मिटाने के लिए किया जाता है. चेयर एंड डेस्क. चेयर एंड डेस्क आर यूज फॉर सिटिंग. चेयर और डेस्क का यूज बैठने के लिए किया जाता है. शॉर्पनर. शॉर्पनर इज यूज फॉर शार्प द पेंसिल. शॉर्पनर का यूज पेंसिल को शार्प करने के लिए किया जाता है. इरेजर. इरेजर इज यूज टू इरेज पेंसिल वर्क. इरेजर का यूज पेंसिल से लिखी गई चीजों को मिटाने के लिए किया जाता है. नोटबुक. नोटबुक इज यूज फॉर राइटिंग एंड रीडिंग. नोटबुक का यूज पढ़ने के लिए और लिखने के लिए किया जाता है. पेन एंड पेंसिल. पेन एंड पेंसिल आर यूज टू राइट इन नोटबुक. पेन और पेंसिल का यूज नोटबुक पे लिखने के लिए किया जाता है. ग्लोब. ग्लोब इज ए मॉडल ऑफ अर्थ. ग्लोब संसार का नक्शा होता है. चिल्ड्रन लेट्स रिवाइज थिंग्स इन द क्लासरूम आर स्कूल बैग, चॉकबोर्ड, चॉक एंड डस्टर, चेयर एंड डेस्क, शॉर्पनर, इरेजर, नोटबुक, पेन एंड पेंसिल एंड ग्लोब. दिस इज इनफ फॉर टुडे. वॉच दिस वीडियो ऑफन एंड लर्न द नेम ऑफ थिंग्स इन द क्लासरूम. We will meet in our next class. Till then, bye and take care of yourself.